दिल्ली में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक हुई है और इस बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है, जबकि वीएचपी नेता चंपत राय महामंत्री बनाए गए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नियुक्त किए गए, जबकि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी गोविंद गिरी को सौंपी गई है। बैठक के बाद क्या राय बनी है सुनिए। प्रेरणा इन तमाम लोगों में काम कर रही थी जिन्होंने इस राम जन्मभूमि को मुक्त कराया और अपने प्राणों की चिंता नहीं की। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इन्होंने जिस अलर्टनेस के साथ, जिस सजगता के साथ काम किया, समाज के प्रभावी लोगों को अपनी बात समझाने में सरकारें सफल हुई। पहला मुकदमा 1950 में फाइल हुआ था और 2019 यानी 70 साल के बाद न्याय व्यवस्था ने इतिहास की एक गलती को सुधारने का रास्ता खोल दिया। देखिए, आज के पावन दिन हम लोगों का कार्य आरंभ हुआ है और आरंभ होने के समय जो प्राथमिकताएं हैं उनको देखना पड़ता है। हम लोगों ने पहले उन सभी हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस संपूर्ण अभियान में इन पांचवें शतक से आज तक अपना बलिदान दिया और कार्य किया। हमने उच्चतम न्यायालय को अभिनंदन देते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। हमने भारतीय सरकार को, केंद्रीय सरकार को इस हमारे चयन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है कि सुरक्षा के नाते से पूरे घेरे को पहले कर लिया जाए और अंदर अंदर निर्माण का कार्य शुरू। और उसके अलावा जो है स्वरूप कैसा होगा मंदिर का, क्या जैसा जो है हमने वहाँ पर जो है कार्यशाला में पत्थरों का प्रयोग होगा जी, ये होगा, ये तय हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था आया कि राम जन्मभूमि न्यास को न दे करके नया ट्रस्ट बनाया जाए, तो नया ट्रस्ट बन गया है। अब नाराज के बात के उसको समय आएगा तो का होगा का नहीं भी बेचना होगा कोई व्यवस्था होगा, तो इस पर हमको अभी एक, 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 एक वहां पर नहीं गए, हम अपना कागज दिए, कागज भी नहीं पढ़े लोग, बस इतने हमारा बात है।